Assalamualaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज का जो हमारा topic है class second year biology से chapter number 16 में से topic है endoskeleton. इस topic के अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से connective tissue हमारी body के ऐसे हैं जो endoskeleton में शामिल हैं और basic difference देखेंगे bone और cartilage में. इसके अलावा bone cells को भी discuss करेंगे और cartilage की types को भी देखेंगे. So first of all, what is a endoskeleton? The skeleton which is present inside the body, that is known as endoskeleton. कोई ऐसा ढांचा जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको हम नाम देते हैं endoskeleton. It is made up of the two type of connective tissue. ये दो टाइप के connective tissue से मिलकर बना हुआ है जो हमारी बॉडी के सेल्स के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है. फॉर एग्जाम्पल बून और कार्टिलेज. याद रखना बून और कार्टिलेज दोनों जो है ना कनेक्टिव टिश्यू है और ये दोनों लिविंग सेल्स हैं और ये जो है ना दोनों एंडोस्केलेटन की टाइप में से हैं. बोथ आर मेड अप ऑफ द रिजिड कनेक्टिव टिश्यू. दोनों जो है ना रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय कोलेजन या कोलेजन फाइबर क्या होते हैं. सो डियर स्टूडेंट, बोथ बोन एंड कार्टिलेजिनियस सेल्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द प्रोटीन. कि ये दोनों सेल एक प्रोटीन के मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, तस्बी के दानों की तरह या मोती की तरह प्रोये होते हैं, जिनको आप नाम देते हैं कोलिजन फाइबर. नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द एंडोस्केलेटन. कि ये एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है या हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन का क्या रोल है. जब हम बात करते हैं कि एंडोस्केलेटन प्रोवाइड प्रोडक्शन, एंडोस्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट, एंडोस्केलेटन प्रोवाइड मूवमेंट. कि ये हमारी बॉडी को प्रोडक्शन देता है, मूवमेंट देता है और लोकोमोशन देता है, स्पोर्ट देता है. एंडोस्केलेटन प्रोवाइड साइट फॉर द स्टोरिंग ऑफ द डिफरेंट मिनरल. ये डिफरेंट मिनरल को स्टोर करने के लिए जगह भी देता है. इसी तरह से एंडोस्केलेटन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट. ये हमारी बॉडी के अंदर जो जब डिफरेंट बोन्स आपस में अटैच होती हैं उस अटैचमेंट साइट को जो है ना ये प्रोवाइड करता है और ज्वाइंट की फॉर्मेशन करने में भी मदद देता है. इसके अलावा इट ऑल्सो गिव्स लोकोमोशन, प्रोडक्शन, स्पोर्ट, मूवमेंट. ये जिस तरह से हमारा स्केलेटल सिस्टम हमें जो है ना प्रोडक्शन देता है, मूवमेंट देता है, वैसे ही एंडोस्केलेटन भी हमें ये प्रोडक्शन, मूवमेंट एंड स्पोर्ट फ्रॉम करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, दो हमारे पास एंडोस्केलेटन है, एक को हमने नाम दिया बून और दूसरे को हमने नाम दिया कार्टिलेज. सबसे पहले हम जो है ना बून के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ बून. बून इज अ मोस्ट रिजिड एंड हार्ड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज बोन. कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रिजिड है और हार्ड है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द बोन. एक ऐसी ब्रांच जो बोन की स्टडी करे उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी. बेसिकली ऑस्टियो मीन बोन होता है. और कोलिजन फाइबर आर हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फास्फेट इन देयर सेल्स. डियर स्टूडेंट याद रखना, जो हमारे पास कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो है ना सेल्स जो आपस में मौजूद होते हैं कोलिजन फाइबर की मौजूदगी में डिपोजिशन की वजह से, और वो हमारे पास क्या है, कोलिजन फाइबर है और बोन के अंदर ये मौजूद है. इसी तरह से जब हम बोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बोन मैरो की बात करते हैं, तो हमें दो पार्ट नजर आते हैं, दो लेयर नजर आती हैं. एक को कम्पैक्ट बोन, एक को स्पॉन्जी बोन का नाम दिया जाता है. डिफर बिटवीन स्पॉन्जी बोन एंड कम्पैक्ट बोन. तो आपने कहना आउटर शेल ऑफ द बोन दैट इज नोन एज कम्पैक्ट बोन, इनर शेल ऑफ द बोन दैट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन. ये जो है ना हमारे पास मसामदार है. इट इज डेंस, लेस इन ब्लड वेसल, इट इज लाइट, रिच इन ब्लड वेसल. कि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं है, यहाँ पर ब्लड वेसल मौजूद है. लेस पोरस और ये हाईली पोरस है, मसामदार है, स्पॉन्जी इन नेचर होता है. इसी तरह से प्रोवाइड द साइट फॉर द मसल अटैचमेंट. कॉम्पैक्ट बोन का काम ये है कि इसमें बोन मैरो नहीं होता और ये अटैचमेंट साइट देती है मसल के लिए, जबकि देयर कैविटीज कंटेन बोन मैरो और यही बोन मैरो साइट है जहां पर बोन जो है ना ब्लड सेल बनते हैं. रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए एंड प्लेटलेट्स हो गए. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोन सेल जिनमें हम बात करते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियो मीन बोन एंड साइट मीन सेल. द मैच्योर बोन सेल दीज आर कॉल्ड ऑस्टियो साइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट. क्लास्ट मीन डिजॉल्विंग, ऑस्टियो मीन बोन, बोन डिजॉल्विंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल. जब हम बात करते हैं कि एक जब बच्चा पैदा होता है
जब एक बेबी न्यू बेबी पैदा होता है तो उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर 300 जो है ना डिफरेंट बूंद मौजूद होती है। जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर बूंद बाकी जो बचती हैं वो 206। ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी बूंद ऐसी होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती है, बहुत सारी बूंद ऐसी हो जाती हैं जो मिक्सअप हो जाती हैं, दूसरे ज्वाइंट के साथ मिल जाती हैं। तो ये बूंद सेल होते हैं जो बूंद को कार्टिलेज को बूंद बना देते हैं। कार्टिलेज चूंकि एक नर्म हड्डी है उसको जो है ना नर्म हड्डी मिलकर एक सख्त हड्डी बना देते हैं, बूंद बना देते हैं, जिसकी वजह से ये बूंद सेल्स हैं जो कार्टिलेज को बूंद सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ बोन, हड्डी के क्या क्या काम है? सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करना, डिफरेंट मिनरल को स्टोर करना, टेंडन और लिगामेंट के लिए जाना अटैचमेंट देना, ये भी बोन के काम थे। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सॉफ्टर देन बोन। कि ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप तो है लेकिन हड्डी की निस्बत कम मजबूत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इट कवर्स फ्लेक्सिबल पोर्शन एंड नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलिजन फाइबर। के ये फ्लेक्सिबल पोर्शन है और इसके अंदर कोलिजन फाइबर भी मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ड्रोसाइट की। जिस तरह से ऑस्टियोसाइट पड़ा मैच्योर सेल ऑफ द बोन, इसी तरह से लिविंग सेल ऑफ द कार्टिलेज, दीज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। याद रखना कॉन्ड्रोसाइट के अंदर या कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड वेसल आर प्रेजेंट। टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर थ्री मेन टाइप, हायोलिन, उसके बाद है इलास्टिक एंड फिब्रस। आप इसको याद कर सकते हैं, एक फार्मूला है हाय इल्ला फिब्रो, ये हमारे पास फार्मूला है, इससे आप तीन जो है टाइप्स याद कर सकते हैं। सबसे पहले हायालिन मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कोलिजन इज थिन एंड इट इज प्रेजेंट इन द मूवेबल बोन। ये हमारी जो है मूवेबल बोन के अंदर मौजूद होती है, यानी जो जो बोन्स मूवेबल है उनमें ये हायालिन मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक, they contain bundle of fiber, these are present in the external pinna of the ear, epiglottis, much elastic and flexible। ये जो कान का ear pinna है ear का, इसमें ये जो fiber मौजूद है या cartilage मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं elastic cartilage। Next final and the last that is known as fibrous cartilage, it is a rigid fiber and matrix present in the skull and teeth tissue and joints and vertebral column। तो ये हमारे पास fibrous cartilage है जिसके अंदर very less thin जो है ना collagen fiber मौजूद होते हैं और ये teeth tissue के अंदर intervertebral column के अंदर मौजूद होते हैं। So this is all about endoskeleton, what are the different layer of a bone and what are the different types of the cartilage। Thank you so much।